जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आज जनवरी 2024 से रिलेटेड जो हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डेली, वीकली एंड मंथली के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें डेली, वीकली एंड मंथली क्विज करंट अफेयर की आपको देखने को मिलेगी। वहां से आप अपना टेस्ट जो है वो लगा सकते हैं। साथ में वन लाइनर क्वेश्चन भी आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। तो जनवरी 2024 से रिलेटेड जो भी हमारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपके डिफरेंट एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, डिफेंस, रेलवे या फिर ऑल स्टेट जो भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम रहते हैं, दिल्ली के एसएससी, जीडी के जो हमारे एग्जाम निकलते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे टीचिंग एग्जाम निकाले जाते हैं, उन सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ में हिमाचल के जो भी आपके अपकमिंग आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। विजयपथ एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इन्हीं का एक वन लाइनर क्वेश्चन सेशन भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। बायलिंगुअल आपको ये पीडीएफ आपको मिलेगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इसकी बायलिंगुअल पीडीएफ चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हिंदी का मटेरियल रहेगा, देन उसके बाद इंग्लिश आपको यहाँ पे करवाई जाएगी इंग्लिश मीडियम में, तो ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर पर जाइए, विजयपथ एजुकेशन आप सर्च कीजिए, विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन आप डाउनलोड कीजिए, देन उसके बाद उसको लॉगिन करने के बाद फ्री आप उसको रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, देन उसके बाद करंट अफेयर के सेशन के ऊपर आप जाएंगे, आपको वीडियो एंड पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे देखने को मिलेगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किसे मानक पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं और पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं दिलीप टिर्की को जो है वो पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इन्होंने श्री श्री यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स साइंस में जो है वो ये पीएचडी जो है की है और इनको पीएचडी की उपाधि से जो है वो सम्मानित किया गया है। ये पूर्व भारतीय कप्तान भी रहते हैं हॉकी के और इनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे अटल गौरव सम्मान आयोजन का समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो अभी हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में, और इसमें जो है वो अटल फाउंडेशन से जो है वो प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल गौरव सम्मान और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अटल अवार्ड का आयोजन किया गया। तो पहली बार ये अवार्ड का आयोजन किया गया है, इसमें विभिन्न देशों इस बार देशों के विभिन्न शहरों से जो आवेदन हुए थे उनमें से 35 लोगों को अटल गौरव सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के लिए जो सक्षम उम्मीदवार थे 11 आवेदनों का चयन जो है वो किया गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कहाँ जुलूस 2023 का 13वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर ये तो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले अगर आप करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि ये कहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन डाला, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। तो यही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसीलिए थोड़े से हायर लेवल के भी यहाँ पे ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो डाले गए हैं। ये हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर का जनवरी 2024 का सेशन रहेगा। कुछ टाइम के बाद आपको जो है वो हिमाचल के करंट अफेयर का भी सेशन जो है वो देखने को मिलेगा, तो दोनों ही आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट इसमें पूछा, जुलूस 2023 का 13वां संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये अभी हाल ही में पुणे में संपन्न हुआ है, और ये जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए जो है वो काफ़ी बड़ा योगदान जो है वो रहता है, तो इसके लिए जो है ये संस्करण जो है वो चलाया गया था। हाल ही में
किसे राज्य के उप मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, हाँ बिल्कुल, आपने जो कमेंट किया है, हाँ बिल्कुल, गुजरात इसका राइट आंसर रहेगा। तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के 20वें न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो अभी हाल ही में किया है। तो किस राज्य के लिए कहा गया था? तो गुजरात के लिए कहा गया था, ठीक है। तो ये उप मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा जो है वो 20वें न्यूरो अपडेट 2023 का उद्घाटन जो है वो किया गया था। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है वो जीती है? तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी GNDU के द्वारा जो है, जो कि अमृतसर में स्थित है, इनके द्वारा माका ट्रॉफी जीती गई है। तो माका यानी कि MAKA, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ध्यान रखेंगे, मौलाना अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम है। दोनों व्यक्ति जो हैं वो अलग अलग हैं, एक हैं अबुल कलाम आजाद और दूसरे हैं अब्दुल कलाम। तो दोनों अलग हैं। अबुल कलाम जो हैं वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, और अगर अब्दुल कलाम की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और GNDU के द्वारा जो है ये ट्रॉफी जीती गई है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर विश्वविद्यालय यानी कि इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी के बीच जो सबसे ज़्यादा खेलों में अच्छा प्रदर्शन रहता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये ट्रॉफी जो है वो दी जाती है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की बात करें तो 24 नवंबर 1969 को गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती पर जो है वो अमृतसर में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितने प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है? तो 12% हिस्सा जो है वो यहाँ से गुजरता है। यूरोप और एशिया के बीच लाल सागर ही व्यापार का मुख्य समुद्री रास्ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे स्वेज नहर के रास्ते होने वाले कारोबार पर भी खतरा जो है वो पैदा हो गया है। यहाँ पे 12% जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो इसका मुख्य योगदान जो है वो रहता है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल से जो है वो हमले होते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पे खतरा जो है वो पैदा हो गया है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट प्रयास किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IOM के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के नाम से हम जानते हैं। इनके द्वारा ये श्रमिकों, छात्रों की सुरक्षा के लिए, उनकी नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। देन इसका ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सोनी स्पोर्ट्स के द्वारा जो है वो इनको नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के द्वारा जो है वो बॉलीवुड के जो एक्टर हैं कार्तिक आर्यन, तो इनको जो है वो फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। तो इनका जो मेन उद्देश्य रहता है वो यही है कि भारतीय दर्शकों के फुटबॉल को जो है वो करीब लेके आना है। जो नई पीढ़ियां निकल के आ रही हैं उनके अंदर इस खेल का जो है वो जुनून पैदा करना है, क्योंकि ये खुद ही एक फुटबॉल के दीवाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPS का पूर्ण रूप क्या है, जिसे हाल ही में भूपेंद्र यादव द्वारा लॉन्च किया गया है? NTPS का पूरा नाम क्या है? इसका सही नाम है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी इसमें वन नेशन वन पास की सुविधा की जो पहल है वो की गई है।
व्यवस्था के रूप में कार्य करते हुए पूरे देश में लकड़ी, बांस, अन्य उपज के लिए जो है इसको सुविधाजनक जो है वो बनाया जाए। जैसे कि वन नेशन वन पेंशन की बात की गई है, वन नेशन वन कार्ड की बात की गई है, वैसे ही वन नेशन वन पास की भी बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? वर्तमान में जो रैंक है भारत का इस्पात में, वो दूसरा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो भारत है। देश के इस्पात के एक वृद्धि का ये प्रतीक है, और ये घोषणा भारत के इस्पात मंत्रालय की के द्वारा ही की गई है। इन्होंने ये बताया है कि पिछले साल जो है वो 90 मिलियन टन जो है वो बताया गया है यहाँ पे, तो इस वजह से प्रति साल जो है वो 14% की वृद्धि जो है वो होती है, और इसीलिए भारत जो है वो पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर जो है वो इस्पात उत्पादन में रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इसरो के PSLV C58 XPO SAT मिशन के दौरान माइक्रो सैटेलाइट उप प्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है? देखिए, हाई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्रुव स्पेस इसका राइट आंसर रहेगा। 1 जनवरी को जो है इसका स्टार्ट जो है वो किया गया था इसरो के द्वारा। तो PSLV में जो है वो ये एक माइक्रो सैटेलाइट प्रणाली जो है वो उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल के अगले निदेशक यानी कि HR जिसे हम कहते हैं, उनके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल जो है वो एक गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट एक कंपनी है, तो रश्मि गोविल को जो है वो HR के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान में IOCL में वो HRD और ER हैं। गोबिल को PESB चयन पैनल द्वारा 11 उम्मीदवारों की सूचियों में से जो है वो चुना गया है। इनके पास HR का 30 वर्षों से भी अधिक अनुभव है, इसलिए इनको चुना गया है इंडियन ऑयल में HR की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट, अग्निशमन शगन सेवा नागरिक सुरक्षा होमगार्ड के महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? देखिए, ये तीनों चीजें एक साथ ही आती हैं, अग्निशमन सेवा होगी हमारी, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड, ठीक है, जहाँ पे अगर कहीं पे भी अगर जरूरत पड़ती है तो इस फोर्स का यूज जो है वो किया जाता है। तो इसके जो महानिर्देशक रहेंगे वो रहेंगे विवेक श्रीवास्तव, ये IPS हैं, और इनको जो है वो अग्निशामक सेवा नागरिक सुरक्षा होमगार्ड के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड के महानिर्देशक के रूप में गुजरात कैडर के 1899 बैच के IPS अधिकारी को जो है वो महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, X-37B रोबोट अंतरिक्ष यान को अपने 7वें मिशन के लिए किस रॉकेट पर लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन हैवी के ऊपर ये लॉन्च किया गया है, अमेरिका के द्वारा ये लॉन्च किया गया, जहां से नासा से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा किस स्थान से शुरू की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनवरी से जो है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जनवरी 2024 के करंट अफेयर से, क्योंकि 2024 में इसकी जो है वो शुरुआत की जाएगी। तो द्वारका गुजरात से जो है ये पहली भारत की पनडुब्बी पर्यटन सुविधा जो है वो शुरू की जाएगी। गुजरात सरकार द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी शुरू करने की योजना जो है वो यहाँ पे बनाई जा रही है। गुजरात सरकार ने हिंदू धर्म से महत्वपूर्ण पौराणिक महत्व के साथ द्वारका शहर के पास एक छोटे से द्वीप बैट द्वारका जहाँ पे नाम है, इसके आसपास समुद्री जीवन का पता लगाने के लिए जो है वो डाक लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। मझगांव डाक लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा साझेदारी की गई है, और ये समुद्र तल से 100 मीटर नीचे जो है वो गोता लगा सकेंगे और समुद्री जीवन का अनुभव जो है वो कर सकेंगे। तो ये 2024 में जो है ये शुरू हो जाएगी, और दिवाली के आसपास इसको शुरू करने की योजना, इसलिए 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि गुजरात से पहली भारत की पनडुब्बी पर्यटन सुविधा जो है वो शुरू होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो अबू धाबी में इनके द्वारा ये किया जाएगा, और
14 फेब को ये जो है वो हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात भी हम कहते हैं। तो भारत और वैश्विक समुदाय से प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान करते हुए जो है वो वहाँ की सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया है। और उसी दिन जो है वो 14 फेब को जो है वो अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। जिस दिन नया साल कहते हैं उसी दिन विश्व पारिवारिक दिवस भी मनाया जाता है, जिसे ग्लोबल फैमिली डे कहा जाता है। तो विश्व की शांति के लिए जो है, या फिर सद्भावना से रिलेटेड नए विचारों को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है नए साल के लिए, हर किसी के लिए जो साल है वो अच्छा जाए, आशा यही रहती है कि एकता और सद्भाव से जो पूरा साल है वो हर किसी के लिए अच्छा जाए। तो उसके लिए ग्लोबल फैमिली डे जो है 1 जनवरी को मनाया जाता है। किसने तमिलनाडु के 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो 20,000 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, जिसमें रेल, सड़क, तेल, गैस से संबंधित जो है वो उस तमिलनाडु राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इनका शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट, DRDO का 66वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 जनवरी को ही मनाया गया, इसलिए क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 1 जनवरी 2024 को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे DRDO के नाम से हम जानते हैं, इनके द्वारा अपना 66th एस्टेब्लिशमेंट डे मनाया गया। 1958 में भारतीय सेना के साथ पहले से चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा अनुसंधान संगठन के साथ इसे जो है वो मर्ज कर दिया गया था, और तब से ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के लिए जो है वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो ये डिपार्टमेंट करता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बना के जो है वो भेजा गया? तो हमिद करजई, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ये रहे हैं, हमिद करजई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में शांति के लिए जो है वो एक विशेष दूत के तौर पे जो है वो नामित किया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें पूछा गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए सबसे पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो देखिए, यूपी के किस शहर का पहला सैनिक स्कूल उद्घाटन जो है वो भी हाल ही में राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया है? तो मथुरा में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, और इस सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है समिंद गुरुकुलम। इसका उद्घाटन किया गया, सरकार ने साल 2019 में इस तरह के 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल की थी, जिनमें से 42 विद्यालय पहले से स्थापित किए जा चुके हैं, और बाकी विद्यालय जो हैं वो राज्य, निजी संगठन, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर साझेदारी के साथ उनको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है? तो हाल ही में ये कार्यभार दिया गया है किरण देशमुख जी को। तो ये जो है वो मौजूदा 22 एडमिरल संदीप नोथानी का स्थान लेंगे, और वर्तमान में ये भारत के नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने अपना किसे नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, किसे नया MD जो है वो बनाया है?
तो गीतिका मेहता जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ये निविया इंडिया कंपनी के नए एमडी जो है वो ये रहेंगे, क्योंकि एमडी से रिलेटेड, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड ये आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये हाल ही में अनाहत सिंह जी के द्वारा ये खिताब जीता गया है। अंडर 19 में 2023 में ये चैंपियनशिप हुई थी, उसमें जो है वो इन्होंने बैडमिंटन का खिताब जो है ये जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किसने ओपडोर लॉन्च किया है? तो ओपडोर लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट के द्वारा, और फ्लिपकार्ट के जो सह संस्थापक हैं बिनी बंसल जी द्वारा ये नया ओपडोर जो है वो लेके आए हैं। इसमें क्या होता है कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो एंड टू एंड समाधान प्रदान करती हैं, और इनके परिचालन के लिए जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेटर साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? देखिए, आर्मी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डेजर्ट साइक्लोन जो है वो भारत और संयुक्त राष्ट्र अमीरात के बीच, जो वहां की सेनाएं हैं और भारत की सेना है, इन दोनों के बीच ये युद्ध अभ्यास किया जाता है, सैन्य अभ्यास है एक तरीके का, और 15 जनवरी को ये समाप्त हुआ। इसमें 45 सैनिक जो है वो भाग ले रहे थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान के थार जगह में जो है इसका अभ्यास किया गया था, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमीरात के बीच। ये मित्रता की संबंधता को जो है ये दर्शाता है। जितने भी हमारे युद्ध रहते हैं, जैसे कि किरण है, सूर्य किरण है, नेपाल के साथ किया जाता है, उसी प्रकार काफी ज्यादा एक्सरसाइज जो है वो भारत अन्य देशों के साथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसे हाल ही में M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, B.R. कंबोज को, जो कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, प्रोफेसर है, वहाँ के कुलपति हैं B.R. कंबोज को जो है ये M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड जो है वो कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत जी द्वारा जो है वो उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है? तो नागेंद्र सिंह जी द्वारा ये चेतक कोर की कमान संभाली गई है। 34वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में इन्होंने ये कमान संभाली है, और 1 जनवरी 2024 से जो है ये जनरल ऑफिस कमांडिंग के रूप में जो है वो कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में राजस्थान ने नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है? तो सुधांश पंत जी को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और 1991 बैच के IAS ऑफिसर हैं ये सुधांश पंत, जिनको राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, और इसी तरीके के कुछ यूनिक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र कुमार त्यागी जी को नया CMD जो है वो बनाया गया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का। ये आपको ध्यान में रखना है, त्यागी जी जो हैं ये श्रीकांत कदिकुप्पा का स्थान लेंगे, जो अभी दिसंबर 2023 में रिटायर हुए हैं, और जनवरी 2024 से इनको जो है वो नया कार्यभार सौंप दिया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगढ़िया जी को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो भारत ने 4 वर्षों के लिए ये जो है वो कार्यकाल शुरू किया है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। इसमें जो है वो 24 सदस्य देश जो है वो शामिल होंगे, और भारत जो है वो आखिरी बार 1947 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, और आखिरी बार जो भारत है वो 2004 में इस आयोग का सदस्य बना था। उसके बाद राष्ट्रीय खातों में जो है वो अंतिम संशोधन 2008 में किया गया था, और 2012 को आधार मानकर भारत की वर्तमान जीडीपी श्रृंखला का जो है ये आधार बनाता है, इसलिए 2024 से भारत को फिर से जो है वो इसका सदस्य जो है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को ब्रेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। लुईस ब्रेल जी के जन्मदिवस के ऊपर जो है वो मनाते हैं, जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि क्या है, एक 6th-7th क्लास में एक चैप्टर भी रहता है ब्रेल का, ब्रेल लिपि का, जिसमें वो लोग जो आंखों से नहीं देख पाते हैं उनके लिए डॉटेड डॉटेड करके जो है वो संख्याएं लिखी जाती हैं, तो जिनको दिखाई नहीं देता है उनको उपयोग करना या उनके लिए जो पढ़ने की भाषा है उसको हम ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि कहते हैं। तो ये लुईस ब्रेल जी के द्वारा जो है वो इसकी खोज जो है वो की गई थी, और पूरे विश्व में 4 जनवरी को ब्रेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता सहित विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की नेपाल की आगामी 2 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक जो थी वो अभी हाल ही में की गई, जिसमें भारत के विदेश मंत्री का सबसे बड़ा योगदान है, पूरे भारत के लिए ही काफ़ी बड़ा योगदान इनका रहता है जब से ये विदेश मंत्री बने हैं। तो द्विपक्षीय साझेदारी पहलुओं पर जो है वो मुख्य रूप से चर्चा की गई है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो BR गवई को, जस्टिस BR गवई जी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई को राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण यानी कि जिसको नालसा कहते हैं, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जो है वो नामित किया गया था। पहले ये पद जो है वो संजीव खन्ना जी के पास था, लेकिन अब जो इसके अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे BR गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये पहली कंपनी बनी है ISCC प्लस सर्टिफिकेट हासिल करने वाली। तो रिलायंस इंडस्ट्री की जो जामनगर रिफाइनरी कंपनी है उनको जो है ये भारत के पहला अवार्ड जो है वो ये मिल चुका है, ISCC प्लस सर्टिफिकेट जो है वो इनको दिया गया है। तो ये जो है वो प्लास्टिक को नए कचरे के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री में इसका बदलने का काम है, यानी कि एक तरीके से रिसाइकल जो है वो चीज़ों को किया जाता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी फैली है, ज़रूरी नहीं है कि वो जियो के साथ ही जुड़ी हुई है, इसकी अनदर ब्रांचेस भी रहती हैं, टेलीकॉम में जियो है, बाकी जगह पर भी इसका मुख्य योगदान जो है वो रहता है। तो उसी तरीके से रिसाइकल पॉलीमर्स का उत्पादन करने वाली भारत की पहली रिफाइनरी ये बन चुकी है, इसको ISCC+ सर्टिफिकेट जो है वो हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? तो देखिए, स्वदेश दर्शन यानी कि अपने ही देश का जो है वो भ्रमण करना है, इस योजना में जो डेबरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि उड़ीसा में है, डिब्रूगढ़ नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे, डिब्रूगढ़ नहीं है, डेबरीगढ़ है, दोनों अलग अलग हैं। तो पर्यटन मंत्रालय ने जो है वो स्वदेश दर्शन योजना में इस डेबरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया है। ये उड़ीसा के बरगढ़ जिले में हीराकुंड बांध के पास स्थित है, और हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है। ये जो है वो 100% केंद्रीय फंड योजना है, जैसे कि भारत दर्शन है, स्वदेश दर्शन है, ये सेंटर की
स्कीमें जो है वो स्टार्ट की गई हैं, जिसमें बच्चों का जो है वो भ्रमण करवाया जाता है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको पूरा देश घुमाया जाएगा, उनको अपने देश के जो विभिन्न जो कल्चर्स हैं उनको जो है वो बताया जाएगा वहाँ पे। तो ये 2015 में इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी और पूरी तरह से ये सेंटर फंडेड एक स्कीम है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने मनाली में 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का उद्घाटन किया है। तो सुक्खू जी के द्वारा कुल्लू जिले में इसकी जो है वो शुरुआत की गई है। ये राष्ट्रीय तौर पर ये रहता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिमाचल के करंट अफेयर से आपके लिए बनता है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश के त्रिपाठी को। ये आप ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है आपसे क्वेश्चन सिर्फ चीफ का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्मी के चीफ कौन है, नेवी के चीफ कौन है, एयरफोर्स के चीफ कौन है। उनके अलावा भी कई ज्यादा पोस्टें इंडियन डिफेंस में जो है वो रहती हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन आपके लिए बन पाता है। तो भारतीय नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी जी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? यूपी। आप ध्यान रखेंगे, यूपी से क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जामिनर के अकॉर्डिंग। तो एग्जामिनर क्या करता है, यूपी के क्वेश्चंस को ज्यादा पुट डाउन करता है आपके एग्जाम में, क्योंकि वहां पे बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वहां पे सबसे ज्यादा स्कीमें जो है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए स्कीमें जो है वो यूपी में ही चलाई गई हैं, नई नई स्कीमें वहां पे लॉन्च कर दी जाती हैं। तो राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन जो है वो उत्तर प्रदेश में किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के एक मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। उन्होंने आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र आरवीसी हम जिसे कहते हैं, इसका उद्घाटन जो है वो किया है। इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य है कि जब भी कोई आपदा आती है चेतावनी देना, भविष्यवाणी करना, समय पर राहत पहुंचाना या फिर उनको जो है वो हेल्प करना। तो इस तरीके से जो है वो ये टीम जो है वो मुख्य रूप से काम करती है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया विद डिटेल। अब इन्हीं से रिलेटेड या इनके अलावा कुछ नए क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर में भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है वो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस यहाँ से पूरी तरह से हो पाएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विंटर कार्निवल कहां पे शुरू किया गया है? तो शिमला में जो है ये शुरू किया गया, यहां पे एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा विंटर कार्निवल जो है वो शिमला में नहीं है, मनाली में है। इसका राइट आंसर आएगा मनाली, इसको आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, शिमला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय लेवल पे जो है इसकी शुरुआत की गई थी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा, जो कि हिमाचल के वर्तमान के मुख्यमंत्री। हाल ही में किस आईआईटी को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए जो है वो दान दिए हैं? तो आईआईटी मुंबई के छात्रों ने अपनी ही आईआईटी को जो है वो 57 करोड़ रुपए जो है वो एज अ डोनेशन फंड जो है वो दिया है। नेक्स्ट है, फरवरी में खेले जाने वाली सैफ चैंपियन अंडर 19 महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो शुक्ला दत्ता जी को नियुक्त किया गया है, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है, पीएचडी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? दिलीप टिर्की को सम्मानित किया गया, ये भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है, अटल गौरव सम्मान का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हाल ही में नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। हाल ही में कहाँ जुलूस 2023 का 13वां संस्करण संपन्न हुआ है? दिसंबर में ये संपन्न हुआ है। देखिए क्या नाम रखा गया है सम्मेलन का, जुलूस सम्मेलन 2023, तो कुछ यूनिक सा नाम है। पुणे में इसका जो है वो संपन्न ये हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो गुजरात, ये हमने अभी पीछे जैसे क्वेश्चन डिस्कस किया। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है वो जीती है? तो JNDU के द्वारा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जी के द्वारा जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है वो जीत ली गई है और भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितना प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है? तो 12% जो है वो
स्वेज नहर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है, ये भी हमने डिस्कस किया, IOM के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, NTPS का पूरा नाम क्या है जिसे अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव जी द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया, तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, ये जो है वो एक नई पहल स्टार्ट की गई है। कहाँ पे, अभी हाल ही में हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, 15 जनवरी को इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है, सॉरी 15 फरवरी को इसका उद्घाटन जो है वो होने वाला है, तो अबू धाबी में यानी कि UAE दुबई में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के ये खिलाड़ी हैं डीन एल्गर, इनके द्वारा 2023 में जो है वो क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए अभी किसे चुना गया है, तो खोरो खैम्बप गंभीनी को चुना गया है। इस्पात उत्पादन में भारत की वर्तमान रैंक क्या रहता है, तो दूसरा रैंक रहता है भारत का। इसरो के PSLV मिशन में जो माइक्रो सैटेलाइट उपप्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष स्टार्टअप जो है वो शुरू किया गया है, तो ध्रुव स्पेस नाम से जो है इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल के नए HR के रूप में किसे नियुक्त किया गया, रश्मि कोहली। हमने सारे क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में डिस्कस किए थे, अगर आप MCQ का सेशन अगर आपने देखा है तो आपको जो है वो यहाँ पे वन लाइनर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगाए गए हैं। अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विवेक श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, X-37B रोबोट अंतरिक्ष यान को अपने 7वें मिशन के लिए किस रॉकेट पर लॉन्च किया गया था, तो फाल्कन हैवी, ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है, भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा किस कहां पर शुरू की जाएगी, तो द्वारका गुजरात में इसकी शुरुआत की जाएगी, ये भी नया क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार ये भारत में जो हो रहा है। हर साल विश्व पारिवारिक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, यानी कि ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को मनाया जाता है, और ब्रेल डे जो है या ब्रेल लिपि डे जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने अपना नया MD किसे बनाया है, तो गीतिका मेहता, ये भी हमने डिस्कस किया। चीफ ऑफ मेटल का पदभार किसके द्वारा भी हाल ही में ग्रहण किया गया, किरण देशमुख जी के द्वारा। DRDO का 66th स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 1 जनवरी को मनाया गया 2024 को। किसने तमिलनाडु में 20,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का अभी हाल ही में लोकार्पण और शिलान्यास किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट है, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश U19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है, तो अनहात सिंह, ये भी डिस्कस किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने UP के किस शहर में बालिकाओं के लिए सबसे पहला सैनिक स्कूल उद्घाटन किया है, तो मथुरा में इसका उद्घाटन किया गया है। 100 सैनिक स्कूल खोलने की जो है वो वहाँ पे अलग अलग शहरों में ये स्कीम सेंटर के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें 42 जो है वो अभी हाल ही में खोल दिए गए हैं और बाकियों में जो है वो अभी सेंटर से, स्टेट से, या फिर जो हमारे गैर सरकारी या फिर जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से उनके साथ जो टाई अप करने की तैयारी रखी गई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए हामिद करजई को जो है वो विशेष रूप से वहां का दूत जो है वो बनाया गया है। किसने हाल ही में नौसेना में युद्ध पोत उत्पादन तथा खरीद नियंत्रण के रूप में कार्यभार संभाला है, कि नौसेना में जो जितने भी हमारे टैंक वगैरह रहते हैं उनका उत्पादन और खरीद के लिए जो मुख्य रूप से व्यक्ति काम करते हैं वो भी एक तरीके से MD ही रहते हैं वहाँ के, तो एडमिरल बी शिव कुमार जी को जो है इसका नया कार्यभार दिया गया है। चीन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 150 अनुसंधान संस्थानों तथा कंपनियों के सहयोग से विकसित इस जहाज को चीनी भाषा में क्या नाम दिया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है क्योंकि हमने MCQ में डिस्कशन नहीं किया था इसका, तो ये मिशन जो है इसे ड्रीम का नाम जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपडोर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर हैं बिनी बंसल, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, सुधांश पंत, 1991 के जो हैं वो IAS अधिकारी हैं ये। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में रविंद्र कुमार त्यागी जी को नया CMD जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में
जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान किसने संभाली है? तो जनरल नागेंद्र सिंह जी द्वारा, लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह जी द्वारा जो है वो ये इनको कार्यभार जो है वो दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया जी को बनाया है। 2017 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है वो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी को जो है वो बनाया गया है। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से बीआर कंबोज जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स तसेसी केदी ने एक बार फिर लगभग कितने वोटों के साथ जीत हासिल की है? तो 73 वोटों के साथ जीत हासिल की है। कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम मोदी जी द्वारा जो है वो उद्घाटन किया गया। डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यूएई के बीच। ध्यान रखेंगे आप, आर्मी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए जरूर बनेगा। भारत कितने देशों के लिए राष्ट्र सांख्यिकी योग के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो 4 वर्षों के लिए। लास्ट टाइम 2004 में जो है वो भारत इसका सदस्य रहा था। नेक्स्ट है, ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। भारत और नेपाल के बीच 7वीं बैठक किसे अध्यक्षता जो है वो अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ जो है वो की गई 2 दिवसीय यात्रा उनकी जो थी वो रही थी। इसमें द्विपक्षीय साझेदारी पहलुओं पर चर्चा जो है मुख्य रूप से की गई। सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए जो है वो 802 करोड़ रुपए जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 22 एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट है, भारत हिमाचल के मुख्यमंत्री ने 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो मनाली में जो है इसका उद्घाटन किया गया, पहले हमने ये डिस्कस किया, तो ये कुल्लू या फिर मनाली इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, स्वदेश दर्शन योजना में जो है वो डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है वो शामिल किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, राहत वाणी केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली जो भारत की कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। इसमें जो रिलायंस पॉलीमर्स के ऊपर जो काम किया जाता है, जो कि रिसाइकल करती है चीज़ों को, उनको ये भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिनको इस सर्टिफिकेट के साथ नवाजा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो BR गवई जी को, जस्टिस BR गवई जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये हमने वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। नेक्स्ट, हमारे जनवरी 2024 के ही इंग्लिश के भी करंट अफेयर यहाँ पे रहेंगे। जो चीज़ हमने हिंदी में डिस्कस की वही सेम टू सेम आपके पास इंग्लिश में भी यहाँ पे करंट अफेयर जो है वो रहने वाले हैं। तो इसकी PDF के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, आपको विजयपथ एजुकेशन सर्च करना है, उसको आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, देन उसके बाद वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको रजिस्टर कीजिए। जब आप इसको रजिस्टर करेंगे तो आपको लॉगिन करना है, वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही लॉगिन रहता है, और देन उसके बाद करंट अफेयर के सेशन के ऊपर जाके आप फ्री इस वीडियो को, जनवरी 2024 के इस करंट अफेयर के सेशन को आप देख सकते हैं। साथ में इसकी बायलैंगुअल PDF भी आपको देखने को मिलेगी। आपको मंथली, 6 मंथ की, 3 मंथ की एंड ईयरली आपको करंट अफेयर की क्लासेस वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ में अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो वहां से आप इजीली इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कुक बोरेक दिवस 2024 कब मनाया गया? 19 जनवरी को जो है ये मनाया गया। ये त्रिपुरी भाषा दिवस जो है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है, हर साल ये मनाया जाता है 19 जनवरी को। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये अन्य देशों, अन्य राज्यों से बनता है। 2024 का ये उत्सव बंगाली और अंग्रेजी के साथ राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में कोक बोरेक की मान्यता की 46वीं वर्षगांठ का जो है ये प्रतीक है। त्रिपुरा में मुख्य रूप से ये जश्न जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है, IIT मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के साथ किसके साथ जो है वो करार किया है,
किसके साथ टाई अप किया गया है, तो अल्टियर के द्वारा ये जो है हाथ मिलाया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा। तो इसमें बेसिकली एआई से रिलेटेड जो भी हमारे वर्क रहेंगे उनके साथ ही जो है वो हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं, तो केरल के लिए केंद्र सरकार ने जो है वो 302 करोड़ जो है वो फंड जो है वो अभी दिया है। केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रूपाला ने केरल के बीजीजम में मछली पकड़ने वाले गांवों के तटों पर कृत्रिम रीफ, आर्टिफिशियल रीफ हम जिसको कहते हैं, वहां पे उनकी स्थापना के लिए 302 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। और ये योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत जो है वो इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई, तो छत्तीसगढ़ में ये शुरू की गई है। महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ में की गई। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये या फिर अगर पूरे एक साल की बात करें तो 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। और ये योजना के लिए जो है इसके लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की मुख्य रूप से योजना है। जिस तरीके से इंदिरा गांधी योजना अभी हिमाचल प्रदेश में चलाई गई है, जिसमें 18 से 60 साल की महिलाओं को जो है वो 1,500 रुपये जो है वो दिए जाएंगे, तो वैसे ही ये योजना एक मध्य प्रदेश में भी चलाई गई है, लाडली बहना योजना, उसी से संबंधित इस योजना को जो है वो माना जा रहा है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी सुक्खू सरकार द्वारा 1,500 रुपये के लाभ के लिए जो है वो नई योजना स्टार्ट की गई है, जिसका नाम रखा गया है इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है, तो ये सोलापुर में की गई है, जो कि महाराष्ट्र का एक मुख्य शहर है। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2,000 करोड़ रुपए की आठ अमृत यानी कि अटल मिशन की जो है वो शुरुआत वहां पे की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त जो है वो वहाँ पे उनको दी गई, और तथा इसके साथ साथ इन्होंने भारत के जो लोग हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो निर्मित 90,000 से अधिक घरों को भी जो है वो वहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कही गई। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों की सृजन की मंजूरी दे दी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये अभी हमने डिस्कस किया अभी ऊपर, अरविंद पनगड़िया जी को जो है ये मुख्य रूप से 16वें वित्त आयोग का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो वित्त आयोग बनाया जाता है, उसके जो मुख्य रूप से अध्यक्ष बनाए गए हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, उनका नाम रखा गया, उनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया। ये आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को माइंड रखेंगे। नेक्स्ट, फोर्ब्स की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है, तो ये है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार जो है वो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग जो है सबसे मजबूत करेंसी जो है वो बनी है। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी है। बहरीन की करेंसी है ये बहरीनी दिनार दूसरे, और ओमान की करेंसी ओमानी रियाल तीसरे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कुवैत की पहले नंबर पे है, क्योंकि यूएई में ज़्यादातर क्या चलते हैं, दिनार चलते हैं, ठीक है, यानी कि दुबई का जो एरिया है यूएई का, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे दिनार चलते हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं, जैसे कि दुबई का अलग होगा, कुवैत का अलग होगा, बहरीन का अलग होगा, तो वैसे ही कुवैत जो है वो पहले नंबर पे है सबसे ताकतवर करेंसी, दूसरे नंबर पे बहरीन की, तीसरे नंबर पे ओमान की, ओमानी रियाल जिसे हम कहते हैं, और मुख्य रूप से जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार करने वाली मुद्रा यूरो, ये जो है वो 9वें स्थान पे, और डॉलर जो है ये 10वें स्थान पर पहुंच गया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्ब्स की रिपोर्ट जो है वो आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीआर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन अभी किस राज्य में किया गया,
तो ये आंध्र प्रदेश में जो है वो किया गया, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा जो है 125 फीट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन, कांस्य की मूर्ति रहेगी, कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन जो है वो वहां के मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। ये मूर्ति डॉक्टर BR अंबेडकर जी को समर्पित है। ये प्रतिमा न केवल राज्य बल्कि देश के ताज में सबसे बेहतरीन रत्न के रूप में जो है वो खड़ी रहेगी, क्योंकि BR अंबेडकर जी ने जो है वो संविधान बनाया था और उसी संविधान के ऊपर आज पूरा भारत जो है वो खड़ा है। तो अंबेडकर जी की याद में जो है वो इस मूर्ति को जो है वो स्थापित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है हजारीबाग में केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किसने किया है, तो सेंटर के द्वारा जो फंडेड योजना है वहां पे झारखंड में ये मध्याह्न भोजन के लिए जो है वो केंद्रीय अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन CP राधा कृष्ण जी के द्वारा जो है वो किया गया है, जो कि वहां के राज्यपाल हैं, झारखंड के राज्यपाल हैं। इनके द्वारा ये मुख्य रसोई का उद्घाटन जो है वो किया गया है। इसमें स्वास्थ्य स्थिति के सुधार के लिए जो है वो ये शुरुआत की गई है। इस रसोई में लगभग 800 स्कूलों में 1,00,000 छात्रों को दोपहर का भोजन परोसने के लिए जो है ये तैयार रहती है। तो सेंटर फंडेड ये स्कीम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई जो है इसका नाम है। नेक्स्ट है कंपाला युगांडा में G77 तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, इसका जो इसकी जो थीम थी वो था किसी को पीछे नहीं छोड़ना। तो बी मुरलीधन युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का इनके द्वारा प्रतिनिधित्व तो किया गया, और विदेश राज्य मंत्री हैं ये मुरलीधन युगांडा के कंपाला में G77 में जो है वो भारत भाग लेने के लिए जो है वो तैयार है, और मुख्य रूप से जो विषय रखा गया था वो था किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। भारत के वसुधैव कुटुंबकम जिसका मतलब विश्व एक परिवार है के दृष्टिकोण के अनुरूप है, ठीक है, यानी कि जो अभी G20 सम्मेलन जो है अभी हाल ही में जो दिल्ली में हुआ, तो वहां पे जो थीम रखी गई थी भारत के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि भारत जो है वो एक क्या है, एक विश्व को जो है वो अपना एक परिवार मानता है। तो उसी दृष्टिकोण के साथ साथ इसकी जो थीम है वो रखी गई है किसी को पीछे ना छोड़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। और इसके सहयोग के लिए जो है वो 134 सदस्य देशों के नेता जो है वो एक साथ काम करेंगे। नेक्स्ट है WEF दाबोस में महाराष्ट्र द्वारा सुरक्षित निवेश की राशि क्या है, तो 3.53 लाख करोड़ रुपीज जो है वो अभी हाल ही में इसका निवेश जो है वो किया गया है। दाबोस में कुल 3.53 लाख करोड़ रुपए के निवेश MU के साथ जो है वो इसका समझौता जो है वो किया गया है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था को जो है वो वहाँ की क्या करना है, सुधारना है। समझौतों में इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, डेटा सेंटर, रत्न आभूषण, कृषि, ऑटोमोबाइल या फिर जो भी ऊर्जा के संसाधन हैं और उनके साथ साथ नौकरियां भी उपलब्ध कराना जो है वो इसकी मुख्य भूमिका जो है वो रहती है। नेक्स्ट है 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा यूनाइटेड किंगडम। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ हटके क्वेश्चन पूछा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बारिश के बावजूद भी 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की जो है वो शुरुआत की गई है। इस साल का थीम देश यूनाइटेड किंगडम है, जो कि साहित्य के आयोजन में एक अंतर्राष्ट्रीय शब्द को जो है वो जोड़ रहा है। इस मेले में लगभग 20 देशों के 1,000 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 12 साल के अंतराल के बाद जर्मन प्रकाशकों की वापसी को भी शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक इंटरनेशनल बुक फेयर जो है वो ये कोलकाता में मनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में 61 वर्ष की आयु में अपना चौथा डकार रैली खिताब किसने हासिल किया है, तो कार्लोस सेंस के द्वारा ये जीत हासिल की गई है और इनको जो है ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है। जितनी भी सेंटर की स्कीमें हैं या स्टेट की स्कीमें, वहां से एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। असम सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया है। मुख्यमंत्री महिला
उद्यमिता अभियान का उद्देश्य यह है कि 1 लाख वार्षिक आय लक्ष्य के साथ ग्रामीण महिलाओं को सूक्ष्म उद्यमियों में बदलना है, यानी कि जितने भी लोग हैं वहां पे वो क्या करें, अपने छोटे छोटे कार्य जो हैं वो करें, छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो हैं वो चलाएं। वहां से क्या होगा, उनके लिए इनकम जो है वो मुख्य रूप से जनरेट होगी। तो ये असम सरकार के द्वारा नई पहल जो है वो शुरू की गई है। विश्व का सबसे बड़ा दीपक कहाँ जलाया जाने वाला है, तो अयोध्या में। ये आप सभी जानते हैं क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन है जनवरी में, तो अभी हाल ही में वहां पे उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा दीपक जो है वो वहां पे जलाया गया है। 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक अयोध्या शहर को रोशन करेगा। दीपक में 1.52 क्विंटल कपास और 21,000 लीटर तेल जो है वो शामिल है। कुल 108 टीमों ने इसकी तैयारी की है। 1 वर्ष उनको बनाने के लिए लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा और लक्ष्मीकांत दीक्षित के नेतृत्व में पुजारियों के एक टीम के साथ जो है वो वहां पे अनुष्ठान किया है और रामलला के दर्शन जो है वो पूरे भारत को वहां पे करवाए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वर्ल्ड लेवल पे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपके लिए बनेगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया है, तो कुल 19 बच्चों का चयन किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए। इसमें असाधारण क्षमताओं तथा उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। 5 साल से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को बहादुरी, कला, संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल या फिर जो भी उनका मुख्य वर्ग रहता है, कुछ भारत के लिए जो मुख्य योगदान रहता है, उनके लिए ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से उनको जो है वो सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम लल्ला के बहु प्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया, तो हाल ही में जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो वहां रामलला की मूर्ति का अनावरण जो है वो अयोध्या में किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ने जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ तो आपने देखा होगा, वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बन सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है, तो चंद्रकांत सोमपुरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा, मल्टीपल क्वेश्चन बनेंगे। तो मुख्य वास्तुकार जो है उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। इन्होंने इस मंदिर को, नक्शे को बनाने के लिए जो है वो अपने कई सालों की मेहनत जो है वो इनके द्वारा जो है वो समर्पित इनके द्वारा की गई है। इनके द्वारा तैयार किए गए कुछ अन्य मंदिर भी हैं, जैसे कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर, मुंबई का स्वामी नारायण मंदिर, गुजरात का अक्षरधाम मंदिर, कोलकाता का बिंडला मंदिर, ये सारे जो हैं वो शामिल हैं। तो मुख्य रूप से जो राम मंदिर है वो नागर वास्तुकला शैली पर आधारित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि जो अयोध्या में राम मंदिर अभी बनाया जा रहा है या बन गया है, वो आपका नागर वास्तुकला शैली पर आधारित है। नेक्स्ट है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो जलजीत सिंह चौधरी को जो है वो सशस्त्र सीमा बल का नियुक्त का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। विशिष्ट भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का, जिसे SSB कहा जाता है, इनका मुख्य महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्तियों से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो हरियाणा में किया गया है। 17 से 20 जनवरी 2024 हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया है। ये 2023 का आयोजन था जिसे 2024 में जो है वो किया गया। इसका समापन राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में 50 एकड़ में फैले एक आधुनिक विज्ञान शहर के विकास के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की घोषणा भी की है और कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी इसके लिए किए गए हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं जो इस समय भारत की यात्रा पर गए हैं, तो डेनिस फ्रांसिस, इनका सही आंसर रहेगा। 26 जनवरी को जो है ये
गणतंत्र दिवस पर फ्रांसिस महाराष्ट्र की गणतंत्र दिवस परेड में राजकीय अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए बताया। नेक्स्ट है, पिंग्याला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था कि 5 साल से 18 साल के बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। कुल 2024 में 19 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिन 19 में से एक लड़की का जो नाम है वो है लक्ष्मी प्रिया, जो कि नृत्य से संबंधित है कुचिपुड़ी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का ये मुख्य नृत्य है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो एनपीई जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसके तहत हिमाचल प्रदेश ने अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत माई स्कूल माई प्राइड अभियान का जो है वो अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा ये नई पहल शुरू की गई है। ओडिशा के अंगुल जिले में तालचेर में वाटिका परियोजना में महानदी कोल फील्ड लिमिटेड के निवेश का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत जागरूकता। बाकी आप इसकी जो डिटेल है वो यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रति वर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को। तो जनवरी महीना जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज वहां पे मनाए जाते हैं। तो 25 जनवरी को वहां पे हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को जो है वो ब्रेल डे, और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट जैन मंथ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डे से भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सोलर पैनल से संबंधित है। सूर्योदय योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें मुख्य रूप से 1 करोड़ से ज्यादा घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल जो है लगाए जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ऊर्जा को एक स्वच्छ साधन बनाना, कि जो सौर ऊर्जा है जब हम उसका उपयोग करेंगे तो बाकी जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके ऊपर हम कम काम करेंगे। तो ज्यादातर जब हम सोलर के ऊपर काम करेंगे तो खुद ही ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत का भी है। नेक्स्ट है, कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? तो जाम्बिया, ये अफ्रीकी देश में ये स्थित है, अफ्रीकी देश जाम्बिया में जो है भारत उद्योग का एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का जो है एक निर्णय जो है वो लिया गया है। वहां पे कॉपर का एक विशिष्ट लाल भूरे रंग वाला एक रासायनिक तत्व है, उसकी खोज के लिए जो है वो भारत की एक टीम जो है वो जाम्बिया वहां पे जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष 2024 गणतंत्र परेड में कुल कितनी झांकियां जो है वो शामिल की गई हैं? तो 26 झांकियां शामिल की गई हैं। रिपब्लिक डे 2024 में मुख्य रूप से 26 झांकियां जो है वो दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो ताई जुंग यिंग ने ये मेडल जो है वो जीता है। नई दिल्ली में जो है ये इंडिया ओपन 2024 का फाइनल जो है वो खेला गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की जो है वो शुरुआत की गई है? तो भारत में एकमात्र ही कैंसर का अस्पताल है, आप सभी जानते हैं, टाटा का। तो उसके बाद जो मुख्य रूप से एक कैंसर अस्पताल की जो आधारशिला रखी गई है वो है गुजरात। वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में राजकोट में खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की जो है वो नींव रखी है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को ये अवार्ड दिया गया है।
इसमें मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है उनको आपदा पुरस्कार आपदा प्रबंधन के में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2024 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी हाल ही में घोषणा की है और इस संस्था को 51 लाख रुपये नगद और एक प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाएगा, जिसमें वहीं व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी? तो अभी यूपी गवर्नमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान डॉक्टर ऋतु करिथल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी जी को जो है ये पुरस्कार जो है वो सम्मानित करेंगे, क्योंकि इन्होंने चंद्रयान मिशन के लिए अपनी काफी बड़ी भूमिका जो है वो इसरो में निभाई थी, इनके लिए इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को पूरे भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो मनाया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि बालिकाओं के अधिकार तथा उनके सामने आ रही कुछ समस्याएं या जो मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना। इस दिवस की शुरुआत 2008 में की गई थी और इसमें जो है वो मुख्य सेंटर की कुछ स्कीमें भी हैं, जैसे कि उड़ान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें लड़कियों को जो है वो सेंटर के द्वारा जो है वो कुछ फंड दिया जाता है, तथा इनसे रिलेटेड जो स्कीमें हैं वो उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी ने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव जी को T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मिला है। तो शानदार प्रदर्शन इन्होंने T20 में किया था, तो इनके लिए जो है वो इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो निशा पाहुजा के द्वारा इनका निर्देशन किया गया है। झारखंड में एक नाबालिग लड़की पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई गई है, टू किल अ टाइगर, तो निशा पाहुजा के द्वारा इसका निर्देशन जो है वो किया गया है और ऑस्कर 2024 के लिए ये फिल्म जो है वो नॉमिनेट हुई है। नेक्स्ट है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो मान सिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय पुरुष बन गए हैं, क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ दौड़ जीती गई है इनके द्वारा। 34 वर्षीय मान सिंह ने प्रतियोगिता जीतने के लिए 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड का समय जो है वो लगाया था। इनका सबसे बेस्ट जो स्कोर था, जो प्रदर्शन था, वो 2 घंटे 16 मिनट 58 सेकंड था, जो कि इन्होंने पिछले साल मुंबई मैराथन में 11वें स्थान पर हासिल करते हुए किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्र 2022-23 के लिए BCCI अवार्ड 2024 में पॉली उमरगल अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो शुभमन गिल जी के द्वारा ये जीता गया है। उससे पहले 2021-22 का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को, 2021 का अश्विन को और 2019-20 का मोहम्मद शमी को ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। वहीं कर्नल CK नायडू को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व क्रिकेटर फरोख इंजीनियर और रवि शास्त्री को भी ये अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड शो 4 साल बाद आयोजित किया जाता है, पिछली बार इसका आयोजन 2019 में किया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़े जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। भारत के गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन जो है ये किया गया है। नेक्स्ट है, कपूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बिहार के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे और 2 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 24 जनवरी को कपूरी ठाकुर की 100वीं जयंती भी है और इन्होंने पिछले वर्गों के हितों के लिए जो है वो काफ़ी बड़ा योगदान इनके द्वारा रहा था, इसी के कारण इनको जो है वो भारत रत्न से नवाजा गया। नेक्स्ट है,
बैस बैंक पारिस्थितिक तंत्र जो 1000 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में जैव विविधता से समृद्ध है और भारत का सबसे समृद्ध मत्स्य संसाधन माना जाता है, किसके निकट मौजूद है? तो ये कन्याकुमारी के दक्षिण में मौजूद है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे मछली पकड़ने का कार्य भी मुख्य रूप से किया जाता है और इस क्षेत्र को जो है वो समुद्र का आमतौर पर बाइस बैंक के नाम से जो है इसको जाना जाता है और भारत का सबसे समृद्ध मत्स्य संसाधन भी इसी को ही माना जाता है जो कि कन्याकुमारी के दक्षिण में मौजूद है। नेक्स्ट हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस करेंगे ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है उसमें कोई कमी ना रह पाए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना अकादमी में कमांडेंट का पद जो है वो ग्रहण किया? तो विनीत मेरकाटी। कोकबोरेक दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? 19 जनवरी को ये मनाया जाएगा। 125 फीट की ऊंची मूर्ति जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी जहां पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की कांस्य मूर्ति स्थापित की जाएगी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे मजबूत करेंसी है वो है कुवैती दिनार। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि दूसरे नंबर की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। नेक्स्ट है, केंद्र ने सोल में वित्त आयोग के लिए जो अध्यक्ष बनाया है उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र के सोलापुर शहर में की है। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ की योजना है, उसी प्रकार हिमाचल में भी एक नई योजना 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाली है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश की 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति मंथ जो है वो पेंशन दी जाएगी हिमाचल की सुक्कू सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 302 करोड़। नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ जो है वो समझौता किया है जिसमें एआई टेक्निक्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार सबसे मजबूत करेंसी में यूएस डॉलर का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान यहाँ पे रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए जो है वो 19 बच्चों का चयन किया गया है जिसमें से एक लड़की के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित थी, लक्ष्मी प्रिया उसका नाम था। हजारीबाग में केंद्रीकृत अक्षयपात्र रसोई का उद्घाटन जो है वो सीपी राधाकृष्ण जी के द्वारा किया गया। इसमें 800 स्कूल के लगभग 1 लाख बच्चों को भोजन जो है वो दिया जाएगा। कंपाला युगांडा में G77 दक्षिण शिखर सम्मेलन में जो विषय रखा गया था वो था किसी को पीछे नहीं छोड़ना। ये G20 सम्मेलन का जो मुख्य थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, उसी से रिलेटेड ये थीम रखी गई है। नेक्स्ट है, WEF दावोस में महाराष्ट्र द्वारा सुरक्षित निवेश की राशि क्या है? तो 3.53 लाख करोड़ रुपीज जो है वो राशि रखी गई है निवेश के लिए। 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम कौन सा देश है? तो यूनाइटेड किंगडम। इसमें लगभग 20 से ज्यादा देशों ने जो है वो हिस्सा लिया है। हाल ही में 61 वर्ष की आयु में अपना चौथा डकार रैली खिताब का पुरस्कार कालोस सेंच के द्वारा जीता गया है। भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? तो असम। यहाँ पे असम की महिलाओं को जो है वो वहां के मुख्यमंत्री द्वारा ये नई पहल जो है वो शुरुआत की गई है। इस अभियान में वहां की महिलाओं को मुख्य रूप से जो उद्योग हैं बिल्कुल छोटे छोटे ग्रामीण लेवल पे जो उद्योग हैं उनको स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है फंड इनिशिएट किया जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा दीपक कहाँ जलाया गया है? तो अयोध्या में ये जलाया गया है जब राम लल्ला के वहाँ पे दर्शन जो है वो पहली बार हुए थे। नेक्स्ट है, भारत ने FAO COFI उप समिति में पहला उपाध्यक्ष पद हासिल किया। कैप्चर फिशरीज पर FAO में मत्स्य पालन ब्यूरो में कितने समय भारत को हुआ है? तो 57 ईयर जो है वो भारत को उसमें शामिल हुए हो गए हैं। भारत द्वारा WEF दावोस में लॉन्च किए गए लिंग समानता और समाजता के लिए वैश्विक अच्छा संगठन का प्राथमिक फोकस क्या रहा है? तो महिलाओं की स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम। नेक्स्ट है, अयोध्या में श्री राम लल्ला के बहु प्राण प्रतिष्ठ समारोह का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। अयोध्या राम मंदिर निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रकांत सोमपुरा। इनके द्वारा कई अन्य मंदिरों का भी जो है वो
रचना जो है वो की गई है एज अ डिजाइन। नेक्स्ट है लक्ष्मी प्रिया किस नेत्र से नृत्य से संबंधित है जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कुचिपुड़ी से ये संबंधित है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से जो है वो कौन से खिलाड़ी बाहर हो गए हैं, तो विराट कोहली जो है वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, उनका फैमिली इशू होने के कारण जो है वो ये टीम से बाहर हो गए हैं। सोनी ग्रुप में किसके साथ प्रस्तावित 10 अरब डॉलर के मीडिया विलय सौदे को रद्द कर दिया है, तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है अभी हाल ही में हरियाणा में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में जो है वो डेनिस फ्रांसिस जो है वो भारत की यात्रा पर रहे हैं। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक के रूप में दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। माई स्कूल माई प्राइड योजना जो है वो NPE 2020 की जो नेशनल पॉलिसी है उसके तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये जो है वो शुरुआत की है। ओडिशा के अंगुल जिले में तालचेर में बाटिका परियोजना में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के निवेश का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक विरासत की जागरूकता करना। इस वर्ष 2024 में कुल गणतंत्र दिवस में कितनी झांकियां जो है वो शामिल की जाएंगी, तो 26। भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के ऊपर। सूर्योदय योजना जो है वो सोलर पैनल से संबंधित है। PM मोदी ने पराक्रम दिवस में लाल किले की किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो भारत पर्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 जो कि दिल्ली में हुई उसका टाइटल किसने जीता है, तो ताई तजुइंग इनके द्वारा ये जीता गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वो किसे मिला है, तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि यूपी में स्थित है इनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया। 51 लाख रुपीज का कैश प्राइज जो है वो इनको मिला है। कॉपर की खोज के लिए भारत की एक टीम जो है वो किस देश की यात्रा करेगी, तो जाम्बिया देश की यात्रा करेगी। नेक्स्ट है भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस जो है वो किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 23 जैन को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर की आधारशिला जो है वो रखी है, तो गुजरात में ये अस्पताल जो है वो बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से जो है वो सम्मानित करेगी, तो रितु करिथल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी जी को, जिन्होंने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में सबसे ज्यादा योगदान जो था वो दिया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। BCCI अवार्ड 2024 में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, तो फरोक इंजीनियर और रवि शास्त्री जी को। और T20 के लिए जो अवार्ड मिला था वो मिला था सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट है हाल ही में साल 2023 के लिए ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो हेले मैथ्यूज को, जो कि वेस्ट इंडीज से रिलेट करती है। नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया कि भारत का सबसे समृद्ध मत्स्य संसाधन जो है वो कहाँ पे माना जाता है, तो कन्याकुमारी के दक्षिण में, जो कि 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जैव विविधता से ये समृद्ध है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मरणोपरांत इनको भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न इनको दिया जाएगा। 2022-23 के लिए BCCI अवार्ड 2024 में पॉली उमरगल अवार्ड किसने जीता, तो शुभमन गिल के द्वारा ये जीता गया, इससे पहले बुमराह को जो है ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, तो मान सिंह जो हैं ये बने हैं। ऑस्कर 2024 के लिए अभी हाल ही में नॉमिनेट एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हुई है टू किल अ टाइगर, इसका निर्देशन निशा पाहुजा के द्वारा किया गया है। ICC मेंस T20 में सूर्य कुमार यादव को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान, नई पहल की शुरुआत ये जगदीप धनखड़े जी के द्वारा की गई है, जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आई होप आपको आज का करंट अफेयर का सेशन काफी अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। जनवरी 2024 के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन ये रहेंगे। इसकी आपको वीडियो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप किसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको प्ले स्टोर से विजयपथ एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कीजिए,
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे करंट अफेयर के टैब में आपको इसकी वीडियो एंड इसके साथ इसकी PDF आपको देखने को मिलेगी। वीकली क्विज के लिए, मंथली क्विज के लिए एंड ईयरली क्विज के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे आप क्विज जो है वो बायलिंगुअल फॉर्म में लगा सकते हैं, खुद को चेक कर सकते हैं कितना आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है। तो जल्दी ही फेब 2024 की करंट अफेयर की सीरीज के साथ मैं आपसे मिलूंगा। उससे पहले जनवरी 2024 की हिमाचल की एक स्पेशल करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। जो भी हमारे मंथली करंट अफेयर आते हैं उसमें जैसे अगर जनवरी 2024 का अगर करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उसके दो सेशन आपको मिलेंगे। एक में आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल का होगा और दूसरा आपका हिमाचल का करंट अफेयर होगा। तो जल्दी ही हम फरवरी 2024 के करंट अफेयर सीरीज के साथ और जनवरी 2024 की हिमाचल की करंट अफेयर सीरीज के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए अपने आप नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी को प्रिपेयर कीजिए। कभी भी हिमाचल प्रदेश में पोस्टें जो है वो निकल जाएंगी और आपके लिए तैयारी का समय जो है वो काफी कम बचेगा। तो आप अपनी तैयारी को रेगुलर वे में रखिए। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।